खरगोन जिले के ग्राम पीपल झोपा अंतर्गत धर्मपुरी बीट स्थित कुंदा नदी में मिली तेंदुए की लाश के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 36 घंटे के अंदर वन कर्मियों को सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार घटनास्थल से 20 मीटर की दूरी पर वन विभाग द्वारा सर्चिंग के दौरान पत्थर पर कुल्हाड़ी से काटने के निशान तथा बाल आदि की शिनाख्त की गई। इसी आधार पर सघन सर्चिंग के बाद धर्मपुरी के माता फाल्या के टंटिया पिता जुवान सिंह निवासी धर्मपुरी से पूछताछ के लिए मौके पर लाया गया और बारीकी से जाँच की गई, जिसमे टंटिया ने बताया कि मैं और मेरा साथी सुभाष पिता खेतिया मंगलवार को बाजार जाने के लिए नदी किनारे से होकर निकल रहे थे। तभी एक जानवर जो नदी में मृत अवस्था में पड़ा था, पास जाकर देखा तो वह तेंदुए जैसा दिखाई दिया। हम दोनों ने मिलकर तेंदुए के चारों पंजे व पूंछ को कुल्हाड़ी से काट कर आपस में बांट लिए और घर चले गए। गुरुवार को वन विभाग की टीम ने दो आरोपियों के साथ तेंदुए के चारों पंजे व पूंछ जब्त कर बिष्टान वन परिक्षेत्र कार्यालय पर लाए। वहीं आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट पेश किया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला तंत्र क्रिया का भी बताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। वन विभाग के SDO गर्वित गंगवार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटना में जो भी अपराधी शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में वन विभाग की टीम का सराहनीय योगदान रहा। आपको बता दें कि पीपल झोंपा की कुंदा नदी में ब्रिज के नीचे तेंदुए की लाश तैरते हुए मिली थी। इस दौरान तेंदुए के पंजे पूंछ व पूंछ के बाल कटे हुए मिले थे। इस मौके पर बिष्टान रेंज के रेंजर अमित चंद, आस के डिप्टी रेंजर पीपल जपा फतेह कनेस एवं फॉरेस्ट के जवान पर धीरज भारवे, अरसद शेख, तिरस्ती चौहान, दिलीप चौहान साथ में रहे। बिष्टान रेंज में लेपर्ड जो है परसों सूचना मिली थी, परसों शाम को उसकी डेथ, उसकी बॉडी मिली थी, उसमें चारों लिम्स उसके कटे हुए थे, टेल मिसिंग थी। तो अभी इसमें प्रकरण में दो आरोपी पकड़े गए हैं और ये चारों पंजे और मुँह से जो है वो बरामद कर ली गई है। आगे जाँच ही कर रही प्रचलित है इसमें, तो जो भी इसमें अपराधी उनको पकड़ा जा रहा है। क्या संख्या जा रही है इसमें? अभी मेरी जाँच है वो प्रारंभिक स्तर पे ही है। अभी जो नमूने हैं वो हमने जो है टॉक्सिकोलॉजी के लिए या फिर पॉइजनिंग टेस्टिंग के लिए भेजे हुए हैं। देखते हैं किस प्रकार की रिपोर्ट मिलती है, उस हिसाब से आगे जाँच की।